6 मई 1857 मेरठ छावनी में 90 हिंदुस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तौर पर नए किस्म के कारतूस दिए गए। ये वही कारतूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इन कारतूसों को दांत से काटकर चलाना था। 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा ना मानने के जुर्म में उन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 9 मई की सुबह उन 85 बंदी सिपाहियों को परेड मैदान में लाकर खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोपखाना भी खड़ा किया गया। इस दृश्य को दिखाने के लिए छावनी के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि वो भी सबक लें। बंदी बनाए गए सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गईं, बेड़ियां डाल दी गईं। इस तरह अपमानित करके उन्हें जेलखाने ले जाया गया। अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतीय सिपाही भीतर ही भीतर दुख और गुस्से से परेशान हो उठे। उसी दिन शाम को जब मेरठ छावनी के बाकी सिपाही बाजार में घूमने गए तो सभी ने उन्हें नफरत की निगाह से देखा। लो, ये आ गए बड़े सूरमा, अंग्रेजों के गुलाम। इनके भाई जेल में बंद हैं और ये यहाँ मूछे तानकर मक्खियाँ मारने आए हैं। मक्खियाँ मारने नहीं, चूड़ियाँ पहनने आए हैं। हाँ, अरे तो देर किस बात की है, लो भैया पहन लो चूड़ियाँ। सिपाहियों के लिए ये अपमान बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बैरकों में उसी रात गुप्त सभाएं हुई। न कोई सो सका, न किसी को चैन आया। 9 मई की ही रात को सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेज दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हमारे लिए 31 मई तक रुकना मुश्किल है। 10 मई 1857, उस दिन रविवार था। मेरठ शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हथियारबंद ग्रामवासी इकट्ठा हो रहे थे। उधर छावनी में वो सुबह आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेताबी से इंतजार करते रहे थे। उनका दल सबसे पहले जेलखाने की ओर बढ़ा। उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और जेल में घुस गए। उन्होंने बंदी बनाए सिपाहियों की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त किया। जेल के जेलर भी क्रांतिकारियों से मिल गए थे। उन्होंने न तो कोई विरोध किया और न अंग्रेज अफसरों को खबर ही दी। इसके बाद सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़े। हिंदू, मुसलमान, पैदल, सवार और तोपखाने के सिपाही सभी विद्रोही हो उठे। सब तरफ एक ही नारा गूंज उठा। उस दिन मेरठ में बहुत से अंग्रेज मारे गए। बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई। शहर और छावनी दोनों जगह भयंकर विद्रोह छिड़ चुका था। तारों को काट दिया गया था और रेलवे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहियों का पहरा लगा था। 11 मई 1857 की सुबह 8 बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुंचा। वे 10 तारीख की रात को ही मेरठ से चल दिए थे। दिल्ली के क्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की खबर थी, लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही अंग्रेज फौजी अफसर कर्नल रिपले को खबर मिली,
वो 54 नंबर देसी पलटन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अपने भारतीय सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरठ के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव, अल्लाह हु अकबर, अंग्रेजी राज का नाश हो, बहादुर शाह जफर की जय, ऐसे नारे लगाए। अपने सामने खड़े आजादी के दीवाने सिपाहियों को देखकर 54 नंबर पलटन के दिल में भी राष्ट्रीयता जाग उठी। वे मेरठ के सिपाहियों से लड़ने की बजाय गले मिलने लगे। कर्नल रिप्ले ये देखकर घबरा गया। वो भागना चाहता था, पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया। अब दिल्ली और मेरठ के क्रांतिकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश किया। उधर बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा। अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांति को दबा देंगे। शाम तक मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली पहुंच गया। लाल किले में पहुंचकर क्रांतिकारी सेना ने बहादुर शाह जफर के नाम 21 तोपों की सलामी दी। बहादुर शाह के पास पहुंचकर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उन्हें सलाम किया और मेरठ का हाल सुनाया। मेरा खजाना खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों को तनख्वाहें कहाँ से दूंगा? हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने ला लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। अगर आप लोगों में कुर्बानी का इतना हौसला है तो मैं आपका साथ दूंगा। वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुनना ही होगा। बहादुर शाह जफर की जय! बहादुर शाह जफर की जय! एक बार फिर लाल किले पर बहादुर शाह जफर का हरा और सुनहरा झंडा फहरा उठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के तमाम खजाने, बैंक, इमारतें आदि अपने कब्जे में ले लिए। जहां जो अंग्रेज मिला उसे कत्ल कर दिया गया। 11 मई से 16 मई तक दिल्ली में अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ। दरियागंज के तमाम अंग्रेजी बंगले जला दिए गए। अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की, जिसमें करीब 9 लाख कारतूस, 10,000 बंदूकें और बहुत सा गोला बारूद था। यहाँ पर 9 अंग्रेज सिपाहियों का पहरा था। वे किसी भी हालत में ये शस्त्र भंडार क्रांतिकारी सेना को सौंपने को तैयार नहीं थे। आखिर क्रांतिकारी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे 9 अंग्रेज सिपाही ज्यादा देर टिक न सके। उनमें से एक अंग्रेज सिपाही ने शस्त्र भंडार में आग लगा दी। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ कि वे 9 अंग्रेज सैनिक, 25 हिंदुस्तानी और करीब 300 दिल्लीवासी मारे गए। 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कंपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया और सम्राट बहादुर शाह जफर का शासन स्थापित हो गया। बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौंपी और उसे प्रधान सेनापति बनाया। इस मौके पर बहादुर शाह ने बख्त खां से कहा, बहादुर, मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है, मुझे तुम खुदा हवाले करो और यहाँ मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस कीमत पर और जिस जरिए से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इंकलाब जंग की शुरुआत की गई है वो तब तक फतेहयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऐसा शख्स जो इस तहरीक के तमाम बार को अपने कंधों पर उठा सके और तमाम कौम का नुमाइंदा कहला सके मैदान में आकर
इस इनकलाबी जंग की कयादत अपने हाथ में न ले ले। बहादुर शाह ने यह भी ऐलान किया, अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिए जाने के बाद अपने जाती फायदे के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की बाखुदा मेरी जरा भी ख्वाहिश नहीं है। याद रखें, खुदा ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं उसमें सबसे बड़ी बरकत आजादी है। इसलिए हमें हर कीमत पर अपनी आजादी की हिफाजत करनी है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये भी वायदा करता हूँ कि मुल्क से अंग्रेजों के निकाल दिए जाने के बाद मैं अपने तमाम शाही अख्तियारात कौम के उस शख्स को सौंप दूंगा जिसे आप लोग चुनेंगे। क्रांति की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के सेनापति ने तमाम देश के बहादुर फौजों को संगठित करने के लिए खत भेजे। उन खतों में लिखा गया था, भाइयों, दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है उससे वो इतना घबरा गए हैं जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी ना घबराते। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आ आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर आप खाना वहां खा रहे हैं तो हाथ यहां आकर धोइए। शाहों का बादशाह जहां पना, हमारा दिल्ली का शहंशाह आपका इस्तकबाल करेगा और आपकी खिदमत का सिला देगा। हमारे कान इस तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं जिस तरह रोजेदारों के कान अजान देने वालों की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी उसी तरह सड़क पर लगी हुई हैं जिस तरह कासिद की आंखें लगी रहती हैं। आइए, आपका फर्ज है, फौरन आइए। हमारा घर आपका घर है।